खतरनाक मोर्चे पर 22 मिसाइलों से हमला कर दिया। अब जेलेंस्की ने नेटो से ऐसी गुहार लगाई है जिसे सुनकर बाइडेन ने कहा है कि वो मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। War can't be calmed by talks. Action is needed. पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की के सुपर 11 रूस को फोड़ेंगे 3 एटमी पावर। पुतिन पर होगा एक्शन, वर्ल्ड वॉर की टेंशन। यूक्रेन रूस से अकेले युद्ध में जूझ रहा है। 943 दिन से चल रहे युद्ध में अब तक यूक्रेन डटा हुआ है, लेकिन अकेले ये जंग अब यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रही है। जेलेंस्की कभी भी पुतिन के आगे सरेंडर कर सकते हैं। ये बात प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने लाउड एंड क्लियर अंदाज में कह दी है, जिसके मायने हैं या तो पूरा यूक्रेन पुतिन के कब्जे में होगा या फिर पश्चिमी देश और सुपर पावर अमेरिका युद्ध में यूक्रेन के साथ शामिल हो। यूएन में पुतिन आर्मी को पीटने का प्लान बना है। जेलेंस्की पुतिन को हराने का रोड मैप प्रेसिडेंट जो बाइडेन से शेयर कर रहे हैं। उनके इस प्लान पर कई पश्चिमी देशों ने भरोसा भी जताया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो चल रहा है उससे भड़के पुतिन ने यूक्रेन में कोहराम मचा दिया है। जब यूएन में जेलेंस्की पुतिन के खिलाफ मोस्ट पावरफुल गुट बनाने की अपील कर रहे थे, तब रूस की सेनाएं डोनेस्क और खार्कीव को दहला रही थी। प्रचंड मिसाइल अटैक से डोनेस्क में आधी रात से शुरू हुआ हाहाकार बुधवार की सुबह तक चलता रहा। पुतिन आर्मी ने बैटल ग्राउंड में बढ़त बनानी फिर से शुरू कर दी है। यूक्रेन के वुलेदार में रूस का झंडा कई जगह लहराने लगा है। पश्चिमी डोनेस्क के ओबाल्ट में भी रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है। डोनेस्क में मार खा रहे जेलेंस्की के सोल्जर्स ने कुर्स्क में भीषण पलटवार शुरू किया है। यूक्रेन ने टोरेत्स्क और वोवचांस्क फ्रंट पर भी रूस को दहलाया है। बुधवार 25 सितंबर की सुबह रूस ने यूक्रेन में S-300 से मिसाइल दागी है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-300 से रूस ने खार्कीव और ओडेसा में धमाके किए हैं। पुतिन आर्मी ने ओडेसा में 4 X-59/69 गाइडेड एविएशन मिसाइलें भी दागी हैं। रूस के फाइटर ड्रोन स्ट्राइक को नाकाम करते हुए यूक्रेन ने 28 ड्रोन मार गिराए हैं। ज़ापोरिज़िया में रूस की गोलाबारी में यूक्रेन के एक नागरिक की मौत हो गई और 7 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ज़ापोरिज़िया अटैक के बाद की ये भयानक तस्वीरें हैं, जहां पूरी इमारत को रूस ने एयर स्ट्राइक में जमींदोज कर दिया। हवाई हमले के बाद भीषण गोलाबारी हुई जिससे पूरा इलाका थर्राता रहा। गोलीबारी रोकने के बाद यहां राहत बचाव शुरू हुआ, जहां मलबे से दबे एक आदमी का शव अब तक निकाला जा सका है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का ये वीडियो जारी कर जेलेंस्की की बयानबाजी का जवाब भी दिया है। रूस की एयर स्ट्राइक के वीडियो में दावा किया गया है कि 100 मोर्चे पर यूक्रेन आर्मी की जमकर पिटाई की गई है। यूक्रेन में घुसकर हमला कर रहा रूस अपने इलाके कुर्स्क पर भी कब्जा करने के करीब है, जहां रूस की सेना यूक्रेन के तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों और हथियार डिपो को लगातार निशाना बना रही है। रूस के हमले कितने हाहाकारी और अचूक हैं उसे भी देखिए। रूस एयर स्ट्राइक में जंगलों में छिपे यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर व्हीकल को एक बार में तहस नहस कर दे रहा है। एयर बैटल में यूक्रेन के जंगी जेट भी मिसाइल अटैक से रूसी सेना धुआं धुआं कर दे रही है। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध में पस्त होने ही वाला है। जेलेंस्की यही बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दबी जुबान से महाशक्तियों को समझाने में जुटे हैं। साथ में जेलेंस्की प्रेसिडेंट बाइडेन को वो विक्ट्री प्लान भी पेश करेंगे जिसे अब तक सीक्रेट रखा गया है। जेलेंस्की का वॉर विक्ट्री प्लान क्या हो सकता है, इस पर क्रेमलिन में भी कयास लगाए जा रहे हैं। रूसी मीडिया में तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इसे आपको बताएं उससे पहले जेलेंस्की का क्रोध देखिए। पुतिन के खिलाफ वो किस तरह की मोर्चेबंदी करने की अपील कर रहे हैं उसे समझिए। Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's
needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter. Our Ukrainian right to self-defense must prevail. Our cooperation with nations of the world who value life as we do, our territorial integrity, our sovereignty, the independence of our country. प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपनी लाचारगी बार बार बयां कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ हथियारों की मदद से वो पुतिन से पार नहीं पा सकते हैं। यूक्रेन के सभी हथियारों की काट रूस के पास है। हाल ही में युद्ध में यूक्रेन ने बड़ी संख्या में वैम्पायर ड्रोन को उतारा है, जिसकी मदद से रोबोट डॉग से हमले का प्लान भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना ने फ्रंट लाइन पर वैम्पायर ड्रोन की मदद से रोबोट डॉग्स को घातक बनाने का प्लान बनाया है, जिसमें वैम्पायर ड्रोन फ्रंट लाइन पर रोबोट डॉग स्क्वाड को सटीक हमला अंजाम देने में मदद पहुंचाने के मिशन में लगे हैं। रोबोट डॉग्स जमीन पर सीक्रेट ढंग से काम करने वाला घातक हथियार है। वैम्पायर ड्रोन मुश्किल इलाकों में आसानी से दुश्मन के ठिकाने की पड़ताल भी करता है। कैमरों और साइलेंट ऑपरेशन से लैस वैम्पायर ड्रोन रियल टाइम डेटा टेलीकास्ट करता है। हालांकि वैम्पायर ड्रोन से हमलावर रोबोट डॉग्स की डिलीवरी का फायदा भी यूक्रेन को नहीं मिल रहा है। युद्ध में ज़ेलेंस्की के हथियार कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। बैटल ग्राउंड में 2.5 साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन के जवानों का हौसला भी जवाब देने लगा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने अब सुपर पावर से सीधे युद्ध में दखल देने की डिमांड की है। ज़ेलेंस्की ने जो विक्ट्री प्लान बनाया है, उसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त रूस के खिलाफ सभी महाशक्तियों को युद्ध में उतरने की मजबूरी को समझाया गया है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की हर हाल में तीन देशों को पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। ये तीनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। ज़ेलेंस्की जोर दे रहे हैं कि नेटो के 32 न सही, कम से कम तीन देश तो युद्ध में उतरे, जिसमें पहला देश सुपर पावर अमेरिका हो, जिसके पास 5044 एटम बम का गोदाम है। दूसरी महाशक्ति जिससे ज़ेलेंस्की युद्ध में सीधी मदद चाह रहे हैं, वो है ब्रिटेन, जिसके पास 225 एटम बम की पावर है। तीसरा देश जिसे ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जीतने वाला मानते हैं, वो है फ्रांस, जिसके एटम बमों की गिनती 290 है। तीन देशों की एटमी पावर का बैकअप मिलने के साथ यूक्रेन को इन महाशक्तियों के सभी हथियारों के इस्तेमाल की छूट भी मिलने की शर्त है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से लॉन्ग रेंज मिसाइलों के धमाकों की मंजूरी मांग रहे हैं। यूक्रेन ने रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल से धमाके शुरू किए तो युद्ध का रुख पूरी तरह बदल जाएगा। पुतिन ने लंबी दूरी के मिसाइल धमाके का जवाब एटम बम से देने का ऐलान कर रखा है, इसलिए ज़ेलेंस्की भी न्यूक्लियर पावर का बैकअप चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की डिमांड पूरी करना कितना डेंजरस है, इसका हिसाब अभी अमेरिका में लगाया जा रहा है।